हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलिस्टिक हेयर के बारे में, कैसे आप रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हो। जो सबसे हार्ड थिंग होती है ड्राइंग में वो रियलिस्टिक हेयर ही होती है। रियलिस्टिक हेयर बनाना बहुत ही मुश्किल है। आप मेरी पुरानी वाली ड्राइंग्स चेक कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है नीचे। आप मेरी पुरानी वाली ड्राइंग देखो और अब की ड्राइंग देखो जिसमें मैंने हेयर बनाया है। तो अगर आप भी उस तरीके से रियलिस्टिक हेयर सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अप्सरा की हार्ड पेंसिल लेनी है, और इस हार्ड पेंसिल से आपको हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं, लाइट लाइट। जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ उसी तरीके से आपको हेयर की डायरेक्शन में बस स्ट्रोक्स लगाने हैं सबसे पहले अप्सरा की हार्ड पेंसिल से। हार्ड जो पेंसिल होती है वो सबसे लाइट पेंसिल होती है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है, जिसने मेरी पेंसिल्स के बारे में वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपको नेल कटर से हाइलाइट्स देने हैं। ये जो टेक्निक है मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वाइट हेयर के बारे में, जो इंडेंटिक टेक्निक कहते हैं इसको, वो भी मेरी आप वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्यों मैंने ये नेल कटर यूज़ किया है इसमें। उसके बाद आपको ब्लेंड करने हैं ब्रश से। अब आपको मीडियम पेंसिल लेनी है अप्सरा की, और उसी डायरेक्शन हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा कुछ इस तरीके से। कुछ नहीं करना, बस आपको हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने और उनको ब्लेंड करना है। दोबारा मैंने हार्ड पेंसिल लिया और उसको थोड़ा डार्क कर दिया। अब मैं ले रहा हूँ सॉफ्ट पेंसिल, जहाँ पर स्ट्रोक्स नहीं लगाने, जहाँ आपको स्ट्रोक्स नहीं लगाने वहाँ सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करके आप डायरेक्ट डार्क कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ स्ट्रोक्स नहीं है तो मैं सीधा शेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर डार्क, सीधा अप्सरा की सॉफ्ट पेंसिल से, जो सबसे डार्क पेंसिल होती है। उसके बाद आपको दोबारा हार्ड पेंसिल लेनी है। दोबारा मैंने हार्ड पेंसिल ली है और जहाँ जहाँ स्ट्रोक्स लगाने हैं बीच बीच में वहाँ मैं लगा रहा हूँ ये। ध्यान रखना, जो ड्राइंग में सबसे हार्ड चीज़ वो हेयर ही होती है, तो हेयर अच्छे बनने चाहिए, रियलिस्टिक लगने चाहिए, तो इस पर फोकस ज़्यादा करना। उसके बाद वापस इसको ब्लेंड कर देना है ऐसे ही। अब साइड में मैं पहले हार्ड पेंसिल से करा, मीडियम से कर रहा हूँ। तो जहाँ आपको लगता है जितना डार्क है, शुरुआत हमेशा हार्ड पेंसिल से करनी है लाइट से। उसके बाद धीरे धीरे आपको डार्कनेस बढ़ानी है, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ देख सकते हैं आप। अभी ये साइड वाला लाइट है तो मैं उसको थोड़ा और डार्क करूँगा, सॉफ्ट पेंसिल से डार्क करूँगा मैं इसको थोड़ा। अभी देखना, आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं करा, बस डार्क कर रहा हूँ और ब्लेंड कर रहा हूँ। और जो ऊपर के जो हेयर्स दिख रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, उनको मैं अप्सरा की हार्ड पेंसिल से कर रहा हूँ, बस हल्के हल्के से स्ट्रोक्स लगाने उधर भी बाहर। ऐसे ही इस साइड में कर रहा हूँ मैं। अब ये सब करने के बाद आपको एक इरेज़र लेना है। अगर आपके पास टोम्बो इरेज़र नहीं है तो आप कोई सा सिंपल इरेज़र भी ले सकते हो, पर ध्यान रखना उसकी जो टिप पहुँची है वो शार्प पहुँची है कुछ इस तरीके से। उससे आपको हाईलाइट क्रिएट करने हैं जहाँ जहाँ पे हाईलाइट है हेयर्स में, जिससे रियलिस्टिक लुक आएगा। अभी आप देखना हाईलाइट क्रिएट करने के बाद कितने रियलिस्टिक लगने लगेंगे ये हेयर्स। मेरे पास भी टोम्बो इरेज़र नहीं है, मैं इसी इरेज़र से बनाता हूँ हाईलाइट्स भी। देख सकते हैं आप भी कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं टोम्बो मोनो इरेज़र नहीं है तो आप हाईलाइट नहीं कर सकते, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और भी इसी तरीके से ट्यूटोरियल लाता रहूँगा मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।